online classes of DD School. Here I am again with SST of class 4. Today we are going to solve the exercise of chapter 2. So before we start our chapter, I would like to request you one thing. Please everybody, all the students, please buy your books. If you have your books, it will be easier for you to learn with the help of my video. But if you don't have books, it will be a problem. So this is my humble request to buy books. Okay, so let's begin. हम लोग सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं, ओके? It is in page number 17. Okay, we'll start from tick the correct option. The question goes like this. The first Indian woman to climb Mount Everest was. यहाँ पे ऑप्शन्स हम लोगों का दिया गया है. बच्चन त्रिपाल, संतोष यादव एंड जुनको ताइबे. तो ये तीनों में से हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है बच्चन त्रिपाल. ओके, नाउ लेट्स गो विथ क्वेश्चन नंबर 2. द क्वेश्चन नंबर 2 इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 फीट, 8848 मीटर, 10848 मीटर. सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर बी, 8848 मीटर. सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज बिग पीसेस ऑफ आइस मूविंग डाउन वेरी स्लोली टू द वैली फॉर्म. क्या फॉर्म करते हैं? एक बड़ा सा आइस का मास जो वैली के बीचों बीच चलते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास है आइसबर्ग, नंबर 2, नंबर बी ग्लेशियर एंड ब्लिजार्ड. सो आवर करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर इज ग्लेशियर्स, नंबर बी. नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 4. द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, एज यू ऑल नो द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज ऑब्वियसली कंचनजंगा. ओके, नाउ लेट अस डू इट. क्वेश्चन नंबर बी 2, दैट इज फिल इन द ब्लैंक. ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन ओनली द आंसर्स इन द ब्लैक बोर्ड. नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक. ओके, द क्वेश्चन गोज हियर. नंबर 1, डांस इज द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश. लिसन वेरी केयरफुली. डांस इज द पॉपुलर फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश. द करेक्ट आंसर इज नाटी. नाटी इज द पॉपुलर फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश. ओके, नाउ नंबर 2. नंबर 2, द फेमस डाल लेक इज सिचुएटेड इन डैस. डाल लेक कहां पे सिचुएटेड है? इट इज इन श्रीनगर. आंसर इज श्रीनगर. ओके, एंड नंबर 3, कंचनजंगा द हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज इन डैस लेक. कौन सा स्टेट में है? ऑब्वियसली इट इज इन सिक्किम. ओके, एंड नंबर 4, फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स इन डैस पीक इन हिमालयस. फार्मर्स जो हमारे खेती करने वाले लोग होते हैं हिमालयस में, किस तरह से खेती करते हैं? उस फील्ड, जो कटा हुआ फील्ड को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टेरेस फील्ड. ओके, टी ई आर आर ए सी, टेरेस फील्ड. नाउ गोज नंबर 5, द डैस डांस इज पॉपुलर इन मिजोरम. व्हाट टाइप ऑफ डांस इज वेरी वेरी फेमस इन मिजोरम? द करेक्ट आंसर इज बैम्बू डांस. ओके, ओके, नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. ओके, वी हैव टू मैच द 2 कॉलम्स आर गिवन हियर. ओके, इन वन कॉलम प्लेस एंड इन अदर कॉलम फेमस फॉर. सो यू हैव टू मैच दिस कॉलम एंड द करेक्ट आंसर गोज इन द ब्लैक बोर्ड. सो हियर सिक्किम, व्हाट इज फेमस फॉर? पीक, कंचनजंगा पीक. श्रीनगर इज फेमस फॉर हाउस बोट. दार्जिलिंग इज ऑब्वियसली फेमस फॉर टी. Gulmarg is a type of meadows, like it is specially found in German Kashmir. It's a meadows, like it is a type of grass. Okay, Arunachal Pradesh is very very famous for Mithun animal, a type of rare animal. Okay, Kullu, in Kullu we celebrate Dussehra in a very grand way. Okay, and in Mizoram the famous dance is bamboo dance. So the correct solution is this one. Let us begin our question number 4. So our question number 4 is answer in one word or two words for the following. So number 1 question is the narrow way over or through the mountains, and the correct answer is pass. Chota sa rasta jo ek jagah matlab ek place se dusre place mein pahunchte hain, ek mountain ke beechon beech hoke pass hota hai, usko hum pass kehte hain. Okay, now number 2, the land at the foot
Siwalik Range. The land at the foot of Siwalik Range is called Tarai Vizan. Foothills of Siwalik Range का जो Siwalik Range का जो निचले हिस्सा का जो जमीन है उसको हम Tarai Vizan कहते हैं. Okay? So number three is small field made by cutting steps on hill slopes. Hill slopes को काट काट के हम लोग छोटा छोटा field बनाते हैं. उस field को हम कहते हैं terrace field. Okay? And earthen fire pot number four is earthen fire pot in a crane basket or to keep one warm. Like German Kashmir में छोटा सा pot होता है उसमें coal डाल के लेके चलते हैं. Okay, गर्मी मतलब ठंडी से बचने के लिए उसको हम कहते हैं कांगरी. Okay, and Arunachal Pradesh में एक wild buffalo मिलता है. वो बहुत ही भयानक होते हैं और वो rare भी होते हैं. बहुत कम मिलते हैं आजकल. उसको उस एनिमल्स को कहते हैं मिथुन. सो लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 5. आवर क्वेश्चन नंबर 5 इज सर्कल द करेक्ट वर्ड. यू हैव टू सर्कल द करेक्ट वर्ड. द टू ऑप्शंस आर गिवन. टू ऑप्शंस आर गिवन हियर. सो यू हैव टू सर्कल द करेक्ट वन. सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज द पीक ऑफ ग्रेट हिमालयस आर कवर्ड विद ग्रास और स्नो. द पीक ऑफ ग्रेट हिमालयस आर कवर्ड विद ग्रास और स्नो. हिमालयस का जो पीक होता है वो पीक या तो ग्रास से कवर होता है या फिर स्नो से कवर होता है. आप बताओ क्या चीज से कवर होता है. सो द करेक्ट आंसर इज स्नो. ओके. सो नंबर 2. टूरिस्ट विजिट मिडल हिमालयस टू सी स्नोफॉल इन समर और विंटर. टूरिस्ट जितना भी टूरिस्ट जाते हैं हिमालयस को देखने के लिए कब जाते हैं. वो समर में जाते हैं कि विंटर में जाते हैं. ऑब्वियसली वो लोग समर में जाते हैं. क्यों जाते हैं समर में. क्योंकि विंटर में बहुत ज्यादा स्नोफॉल होने की वजह से विंटर में रास्ता स्नो की वजह से ब्लॉक होता है. इसीलिए विंटर में जाना पॉसिबल नहीं है. ओके. सो नाउ नंबर 3. द हिमालयस इज अ स्टोर ऑफ सैंड और आइस. हिमालयस में आइस है कि सैंड है. आपको बताओ. So the correct answer is ice. बहुत ज्यादा ice रहता है. अंतिम ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा ठंडी होता है. Okay? So now number 4. Number 4 question is the Himalayan rivers have water all the year or in rainy season. हमारा जितना भी हिमालयस का रिवर है उसमें पानी सिर्फ सारा मतलब year में whole year में होता है या फिर सिर्फ rainy season में होता है. So the correct answer is all the year. Okay? That's why they are called perennial rivers. Okay? Now number 5. Number 5 question is the Himalayas protect us from the cold wind coming from sea or Siberia. Himalayas हमको cold wind से बचाते हैं. और वो cold wind कहाँ से आते हैं. Sea से आते हैं कि Siberia से आते हैं. Obviously वो cold wind Siberia से आते हैं. So now let us go for the question answer. अब हम लोग question answer solve करेंगे, which is given in question number 6. Our question number 1 is, हमारा question number 1 है, give the extent of Himalayas in our country. Himalayas हमारे देश में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है. So our right answer is, Himalayas extend from Jammu Kashmir in the north to Arunachal Pradesh in the east. Jammu Kashmir से लेकर Arunachal Pradesh तक फैला हुआ है. और ये कौन कौन सा स्टेट्स कवर करते हैं. इट कवर्स जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द ईस्टर्न स्टेट. ईस्टर्न स्टेट्स में हम लोगों का सारा स्टेट्स आते हैं जैसे मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश है. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वेज डू द हिमालयस प्रोटेक्ट अस. हिमालयस ने हम लोगों को किस तरह से प्रोटेक्ट करके रखा है या फिर किस तरह से हिमालयस हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है. ओके. सो सी इट गार्ड आवर नॉर्दर्न बॉर्डर. हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर को ये गार्ड करते हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं. ओके. सो नाउ नेक्स्ट इज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरी कोल्ड विंड फ्रॉम साइबेरिया. साइबेरिया से जो कोल्ड विंड आता है वो वहीं पे रोक देते हैं. वो कोल्ड विंड इंडिया में घुसना नहीं घुस पाते हैं. तो इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दैट. इट चेक्स द रेन बियरिंग क्लाउड्स. जो भी बादल पानी से भरा हुआ बादल जो है वो इंडिया से बाहर नहीं जा पाते. ताकि क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी इंडियन ओशन से जो क्लाउड्स कलेक्ट होते हैं रेन बियरिंग क्लाउड्स कलेक्ट होते हैं वो जाके
डिटैच होते हैं नॉर्दर्न माउंटेन से, तो नॉर्दर्न माउंटेन्स के रीजन में ही, मतलब वहाँ वहीं के रीजन में रेनफॉल ज़्यादा होता है. सो अनदर वन इज इट इज अ सोर्स ऑफ मेनी रिवर्स, बहुत सारा रिवर्स यहाँ से राइज होता है और वो रिवर्स की वजह से हमारे इंडिया में इरिगेशन का कमी नहीं होता. इरिगेशन मतलब सिंचाई. ओके, नॉर्दर्न प्लेन में ज़्यादातर सिंचाई यही रिवर्स के कारण होते हैं. एंड दीज रिवर्स ऑल्सो हेल्प इन जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी. ओके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी ये रिवर्स मदद करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट थिंग्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर रीजन. एक लोगों का लाइफ को क्या चीज इन्फ्लुएंस करता है एक रीजन में. ओके, दो चीज अफेक्ट करता है, दैट इज लैंड फीचर्स एंड क्लाइमेट. लैंड फीचर्स यानी कि अलग अलग रीजन में रहने वाले लोगों का फूड हैबिट, रहन सहन अलग होते हैं. जिस तरह से स्नोई एरिया में रहने वाले लोग वूलन क्लोथ्स ज़्यादा यूज करते हैं और गर्म एरिया में रहने वाले लोग ज़्यादातर कॉटन के क्लोथ्स यूज करते हैं. इसी तरह से उन लोगों का खाना का आदत, उन लोगों का कपड़ा पहनने का आदत, उन लोगों का सारा चीज इन्फ्लुएंस करता है लैंड फीचर्स एंड क्लाइमेट. ओके, सो द आंसर इज लैंड फीचर्स एंड क्लाइमेट अफेक्ट लाइफ ऑफ पीपल इन अ रीजन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ड्रेस डू हिमाचली वेयर. ओके, द आंसर इज दे वेयर चूड़ीदार पैजामा विद कुर्ता एंड सिल्क ओवरकोट, लॉन्ग सिल्क ओवरकोट. हिमाचली कैप इज ऑल्सो वेरी फेमस, दे वेयर कैप ऑल्सो एंड विच इज वेरी फेमस. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड आवर क्वेश्चन इज व्हाई डू पीपल फ्रॉम द प्लेन्स गो टू द हिल स्टेशंस इन समर. लोग प्लेन्स के लोग समर में हिल स्टेशंस घूमने के लिए क्यों जाते हैं. समर में लोग हिल स्टेशंस इसलिए घूमने जाते हैं क्योंकि हिल स्टेशंस का जो वेदर होता है वो बहुत ही कूल और प्लेजेंट होता है समर में, और साथ ही साथ लोग वहाँ पे ज़्यादातर स्नोफॉल देखने के लिए जाते हैं. ओके, सो द आंसर इज पीपल फ्रॉम द प्लेन्स गो टू द हिल स्टेशंस इन समर बिकॉज देयर द वेदर इज कूल एंड प्लेजेंट, दे ऑल्सो कम टू वॉच स्नोफॉल. Here it goes, question number 6. Our question number 6 is, what are major product of farming in Sikkim? Sikkim may be farming hota hai, toh wahan ka farming product kya kya hai? Let's see. The farming product in Sikkim are like orange, apple, cardamom, acranots and ginger are the major farming product in Sikkim. So our last question is question number 7. How are bamboo and cane used by the people of northeastern hilly region? Northeastern hilly region के लिए bamboo इतना क्यों important है और वो लोग क्यों इतना मतलब use करते हैं bamboo? So bamboo and cane is very important for them. वो लोग bamboo और cane को बहुत ही ज़्यादा अहमियत देते हैं. वो लोग bamboo का fences बनाते हैं, stairs बनाते हैं and even bridge को house को reach करने के लिए. And even they weave baskets and pots, okay? And even bamboo.